गाइस आज वीडियो में हम कुछ मोबाइल एंड पीसी गेम्स को रीमेक करने वाले हैं अनरियल इंजन 5 के अंदर। एंड गाइस ये वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो देखाओ एंड उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गो। तो गाइस हमारी पहली गेम निकल कर आ रही है सबवे सर्फर। गाइस सबवे सर्फर को टीजर प्ले नाम के यूट्यूब चैनल ने अनरियल इंजन 5 के अंदर रीमेक किया है, जिसका गेम प्ले भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये मस्त देखने को मिल रहा है। एंड गाइस यहाँ पे जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है वो लगी है करेक्टर मूवमेंट के साथ, क्योंकि गाइस जब भी ये करेक्टर को लेफ्ट या राइट कर रहा है तब आप लोग देख सकते हो करेक्टर थोड़ी अजीब तरीके से मूव कर रहा है, जो कि मुझे इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम लगी है। खैर अगर कोई इस गेम को बनाएगा तो वो काफी साल इसको बनाने में लगाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस अगर हम बात करें इसके ट्रेन टेक्सचर की, तो इसके ट्रेन टेक्सचर मुझे एवरेज ही लगे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं लगे और बहुत ज्यादा कम भी नहीं लगे हैं। तो ये गेम आप लोगों को कैसी लगी अनरियल इंजन 5 के अंदर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस हमारी अगली गेम निकल कर आ रही है GTA 5। GTA 5 के कॉन्सेप्ट ट्रेलर में इससे थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें स्टोरी भी देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे स्टोरी हमें ये देखने को मिलती है कि फ्रैंकलिन 44 इयर्स बाद लॉस सैंटोस में वापस आता है एंड वो आते ही ट्रेवल एंड माइकल से भी मिलता है। गाइस इस ट्रेलर में आप लोगों को ग्राफिक तो बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी नजर आई है। प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे मुझे ट्रैक्टर के टेक्सचर जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं लगे हैं। मतलब यार अनरियल इंजन 5 के कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर इतने ज्यादा रियलिस्टिक लग नहीं रहे हैं। गाइस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जो सिटी का मॉडल है जो पीछे इनके चल रहा है, मुझे ये कहीं से भी लॉस सैंटोस की वाइब नहीं दे रहा है। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लॉस सैंटोस है, जो कि मुझे काफी बड़ी प्रॉब्लम लगी है इस ट्रेलर में। बाकी ग्राफिक एंड ओवरऑल ट्रेलर बहुत ज्यादा मस्त है। गाइस हमारी अगली गेम निकल कर आ रही है टेंपल रन। गाइस टेंपल रन को आप लोगों ने कभी ना कभी अपने मोबाइल में शायद खेला भी होगा एंड टीजर प्ले ने इसको भी अनरियल इंजन 5 के अंदर रीमेक किया था। एंड गाइस इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है वो लगे इसके ग्राफिक। गाइस इसके ग्राफिक मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे इसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है अब बात कर लेते हैं उसकी। तो गाइस यहाँ पे मुझे जो करेक्टर की मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत मुझे फेक नजर आई और अनरियलिस्टिक नजर आई। एंड गाइस यहाँ पे मुझे जो वाटर एंड फायर जो है वो भी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नजर आई। एंड बाकी ओवरऑल गेम बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गाइस हमारी अगली गेम निकल कर आ रही है GTA 4। गाइस GTA 4 को इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से रीमेक किया गया है, जिसके एनवायरनमेंट के ग्राफिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। एंड गाइस इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो लगा है कैरेक्टर का वॉकिंग स्टाइल। गाइस मुझे कैरेक्टर का वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल ओरिजिनल GTA 4 की तरह इसमें लगा है। एंड गाइस इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कैरेक्टर का टेक्सचर। गाइस कैरेक्टर का टेक्सचर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है एंड कैरेक्टर बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, जो कि शायद इस गेम प्ले की एक मिस्टेक है, जो कि इस गेम प्ले की शायद एक डाउन पॉइंट है। एंड बाकी ओवरऑल गेम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस हमारी लास्ट गेम निकल कर आ रही GTA 3। गाइस GTA 3 भी एक बहुत ज्यादा फेमस गेम रह चुकी है पीसी पे, जिसे सबने अपने बचपन में एक बार तो जरूर खेला होगा। एंड गाइस इसमें भी मुझे इसकी कैरेक्टर की मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं GTA 3 ही खेल रहा हूँ, बस इनहेंस ग्राफिक के साथ, क्योंकि इसकी ग्राफिक मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिले हैं। एंड यहाँ पे कार डिटेल्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि कार यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को GTA 3 का ट्रेलर कैसा लगा एंड आप लोगों को इन सब ट्रेलर में से सबसे अच्छा किस गेम का ट्रेलर लगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ मोबाइल एंड पीसी की कुछ ओल्ड गेम्स के गेम प्ले ट्रेलर दिखाए, वो भी अनरियल इंजन 5 के ग्राफिक में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।